फीफा वर्ल्ड कप में हैरी केन ने दो गोल से इंग्लैंड ने ट्यूनिशिया को हराया, ट्यूनिशिया ने दी कड़ी टक्कर। बेल्जियम ने वर्ल्ड कप के में पनामा की टीम को 3-0 से मात दी, पहले हाफ तक पनामा की टीम का दबदबा रहा। फीफा वर्ल्ड कप में कोलंबिया और जापान की टक्कर, आज दूसरा मैच पोलैंड और सेनेगल के बीच होगा। स्टोक्स और वोक्स चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया सीरीज से हुए बाहर, स्टोक्स की मांसपेशियों में खिंचाव की शिकायत। स्पेन के राजा फिलिप को टैक्स चोरी और भ्रष्टाचार में 6 साल की जेल, खुद अधिकारियों के पास जाकर सरेंडर किया। नीदरलैंड्स में म्यूजिकल फेस्टिवल के दौरान वैन ने लोगों को कुचला, एक की मौत, ड्राइवर ने थाने जाकर सरेंडर किया। स्पेन के प्रधानमंत्री ने शेयर किया अपना दौड़ लगाते हुए वीडियो, लोगों को भी दिया फिट रहने का संदेश। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने ट्रंप प्रशासन को लगाई फटकार, कहा बच्चों को माँ बाप से अलग करना गलत। पुर्तगाल के मदीरा एयरपोर्ट पर रोनाल्डो की नई प्रतिमा रखी गई, एयरपोर्ट के नाम भी रोनाल्डो के नाम पर रखा गया। ऑडी के सीईओ रूट स्ट्रॉडलर घोटाले में गिरफ्तार, 3 साल पहले सामने आया था मामला। 2020 में आएगी हॉलीवुड फिल्म रेम्बो का हिंदी रीमेक, टाइगर श्रॉफ के करियर की सबसे बड़ी फिल्म होगी। शिरीष कुंद्रा के ट्वीट पर एलजी कंपनी का जवाब, दिल्ली के एलजी में काम पर सवाल उठाए थे, लोगों ने किया ट्रोल। श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी को फिल्म धड़क के लिए मिले 7 लाख रुपए, तो वही फिल्म के हीरो ईशान खट्टर को मिली 90 लाख की फीस।